मुझे एक भैया ने मुझे ट्रिक बताई थी कि नर्सरी वाले किस प्रकार से जो है अपने गार्डन के अंदर या अपनी नर्सरी के अंदर छोटे से प्लांट से काफ़ी बड़े बड़े फ्लावरिंग लेनी शुरू कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो के अंदर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको साथ के साथ शेयर भी करते रहिएगा ताकि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे सीजनल प्लांट जो हैं, इस वक्त सर्दियों का समय है तो काफ़ी फ्लावरिंग कर रहे हैं इस वक्त, तो अपनी वीडियो के अंदर आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दो चार प्लांट और हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपस में हम सब। तो ये जो स्क्रीन पे आप प्लांट देख रहे हैं ये क्रिसैंथेमम्स का फ्लावरिंग का प्लांट है, और इसके ऊपर खूब बड़े बड़े फ्लावर्स आने शुरू हो चुके हैं। पहले जो है इनके फ्लावर्स का साइज़ जो छोटा था, लेकिन हमने जो आपको, अगर आपने हमारे चैनल पर पहले भी विज़िट कर चुके हैं तो आपने देखा होगा कि हमने इसके लिए ट्रिक बताई थी। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं उसको। तो उसका फर्टिलाइज़र का स्प्रे करने के बाद ही कुछ समय के बाद ये जो रिज़ल्ट दिख रहा है आपको, और ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे जो टेरेस के ऊपर जो हमने गार्डनिंग करी हुई है उसके अंदर फ्लावरिंग के सारे जो हैं प्लांट्स हैं काफ़ी अच्छी संख्या के अंदर फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये देखिए खूबसूरत सा प्लांट, मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है ये प्लांट। इस प्लांट का नाम है साल्विया, और ये रेड कलर के फ्लावर के अंदर है, और ये बिल्कुल ब्लड रेड कलर का इसका फ्लावर होता है। और ये भी नर्सरी से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और इसकी जो कॉस्ट रहती है वो 30-35 रुपए के आस अप्रोक्स रहती है प्लांट की। अगर छोटा प्लांट लेंगे तो ये 5 से 10 रुपए के अंदर आपको नर्सरी में मिल जाता है। और एक ये बहुत ही हार्डी वैरायटी का प्लांट है कलोंचे। जो कलोंचे का प्लांट है ये परमानेंट प्लांट है, और इस वक्त सर्दियों का टाइम है, इसके ऊपर भी फ्लावरिंग होनी शुरू हो चुकी है। बर्ड्स आप देख रहे हैं कैसे रेड कलर के इसके ऊपर आने शुरू हो चुके हैं, और इसका फ्लावर भी बिल्कुल ब्लड रेड कलर का आता है, और जो इसके फ्लावर की ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी लंबे समय तक खिलने की रहती है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये कैलेंडुला का फ्लावर का प्लांट है, और ये भी बहुत ही हार्डी वैरायटी का फ्लावर है, और इसके जो फ्लावर है वो बिल्कुल तकरीबन गेंदे जैसा ही लगता है। और बात करें तो अभी जैसे सर्दियों का समय चल रहा है तो इसका जो सीज़न है कैलेंडुला का चल रहा है, और ये भी काफ़ी लंबे समय तक इसका फ्लावर रहता है, और ये तकरीबन जो फ्लावर रहता है जब धूप निकलती है तो उस टाइम ये बहुत जल्दी ब्लूम करता है। और उसके साथ ही हमने ये देखिए अपने जो अपना जो गार्डन के ऊपर हमने डेंथस के फ्लावरिंग के जो है प्लांट भी लगाए हुए हैं। हम कुछ नहीं करते दोस्तों इनके अंदर, हम थोड़े थोड़े समय के बाद दो चार दाने हैं जो DAP के अपने गार्डन में फेंकते हैं दूर से, जैसे जिस भी प्लांट के अंदर पड़ जाता है ये तो वो रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। नर्सरी के अंदर भी लोग तकरीबन ऐसे ही करते हैं। ऐसा करने से क्या है कि आपके जो फ्लावर के प्लांट हैं उन पर फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी संख्या के अंदर होती है, और खूब बड़े बड़े आपके जो फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर फ्लावर आते हैं। देखिए ये हमारा टाइगर रोज़ है, टाइगर रोज़ के ऊपर भी आपने वीडियो देखा होगा कुछ समय पहले। ये देखिए ये किस प्रकार से फ्लावरिंग कर रहा है, पूरा इस वक्त फ्लावर से ये लदा हुआ है। मैंने नर्सरी वाले भैया से पूछा था कि किस प्रकार से जो है आप छोटे छोटे फ्लावरिंग के प्लांट के अंदर बड़े बड़े फ्लावर्स ले लेते हैं, तो उन्होंने मुझे यही ट्रिक बताई थी कि कुछ समय के बाद हम जैसे प्लांट थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है तो या तो जो हम उसकी जो सॉइल मिक्स तैयार करते हैं, सॉइल मिक्स जो बेसिकली रहती है जो थोड़ी मात्रा में मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं वो तो करना ही पड़ेगा, और थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और 4-5 चीज़ों को ऐड करके ये फर्टिलाइज़र बनाते हैं। वो फर्टिलाइज़र होती है जैसे थोड़ी मात्रा के अंदर ले लिया पोटाश, ले लिया DAP, ले लिया, और उसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा बोन मिल डाल लिया। सुपर फास्ट एक फर्टिलाइज़र आती है नर्सरी से, ईज़िली मिल जाएगी आपको। ये 5-6 चीज़ें मिक्स करके बराबर क्वान्टिटी के अंदर, जिस तरह मान लो सपोज 250 ग्राम आपने बोन मिल लिया है, 250 ग्राम ही आपने DAP के दाने लेने हैं,
और 250 ग्राम ही बोन मील लेना है और 250 ग्राम ही वर्मी कंपोस्ट ऐड ऑन करना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके वो फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। और इस प्रकार से फर्टिलाइज़र तैयार करने के बाद ये जो प्लांट होते हैं छोटे जब होते हैं तो उनके अंदर ये फर्टिलाइज्ड कर देते हैं उनको, जिसके बाद ये फ्लावरिंग जो प्लांट है बहुत ही जल्दी फ्लावर देने शुरू कर देते हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से अपने जो गार्डन के अंदर फ्लावर्स ज़्यादा लेने के लिए आप फर्टिलाइज़र को ऐड ऑन कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पेंसी का फ्लावर का प्लांट है और ये बहुत अच्छी अभी संख्या के अंदर फ्लावरिंग कर रहा है। तो पेंसी का फ्लावर जो है वो भी डबल शेड के अंदर रहते हैं, देखिए वाइट के अंदर थोड़ा सा पर्पल कलर के अंदर है और ये इस समय इसका भी सीज़न चल रहा है। ये सब सारे के सारे जो मैं आपको प्लांट दिखा रहा हूँ ये सीजनल फ्लावरिंग के प्लांट है। और उसके अलावा जो आपके जो प्लांट रहेंगे वो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट भी रहते हैं कुछ एक, जैसे कि ये जो हमारा आप स्क्रीन पर प्लांट देख रहे हैं ये बैगन बेल का प्लांट है और इसके अंदर ये हार्डी किस्म का प्लांट होता है। इसके ऊपर कई तरह के फूल आते हैं। आजकल मल्टी ग्राफ्टिंग वाले फ्लावर के प्लांट भी चल रहे हैं इसके अंदर, नहीं तो मैक्सिमम जो बैगन बेल का जो प्लांट रहता है ये रेड कलर के अंदर आता है, पिंक में आता है और येलो कलर में भी आता है और ऑरेंज कलर के अंदर भी आता है। तो इसको भी आप अपने टेरेस गार्डन के ऊपर शामिल कर सकते हैं और ये बहुत हार्ड वैरायटी का प्लांट है। अभी इसके जो आप देख रहे होंगे इसके जो लीव्स हैं वो रेड होनी शुरू हो चुकी हैं, ये देखिए, और ये पूरा का पूरा रेड हो जाएगा। इसके ऊपर हम एक वीडियो बना के आपको दिखाएंगे ज़रूर। ये हमारा जो देख रहे हो आप ये स्क्रीन पे, ये हमारा जो फ्लावरिंग जो है गुलाब का प्लांट है और ये देसी गुलाब है और ये हमने कलम से तैयार करा था। इसके साथ ही हमने और कलमें भी ग्रो करी हुई हैं, आपको दिखाते हैं कि कलम को हमने इस प्रकार से लगा के छोड़ रखा है और ये फूटनी शुरू हो चुकी है। बहुत ही जल्द इससे भी हम जो है इसके ऊपर लीव्स आनी शुरू होगी और ये भी फ्लावरिंग करने के लिए रेडी हो जाएगी। ये देखिए कुछ एक दूसरी कलम, आप लोग बता सकते हैं अगर किसी को कलम की रिक्वायरमेंट हो गुलाब के कलम की तो हम उनको कोरियर भी कर देंगे। और बहुत ही जल्द हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसके अंदर हम गुलाब को जो है स्टार्टिंग के प्रोसेस से ग्रो करेंगे और जो है इसके जो सॉइल तैयार करेंगे और इसको फ्लावरिंग होते हुए भी आपको दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आप सारे के सारे जो है प्लांट को एक क्यू के अंदर रख कर अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए इस वक्त मेरा गार्डन मुझे बहुत ही सुंदर लगता है क्योंकि इस पर चारों तरफ फ्लावरिंग ही फ्लावरिंग हो रही है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर एक और किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।